गुरु की नगरी पांवटा साहिब में आरंभ की गई डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन योजना अब अपना असर दिखाने लग गई है। योजना के तहत रखे गए कर्मचारी पूरे शहर में घर घर जाकर कूड़ा उठा रहे हैं, जिससे अब शहर साफ सुथरा दिखने लगा है। नगर परिषद पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि परिषद द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था के लिए 14 वाहन तैयार किए गए हैं। अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि पांवटा साहिब में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी जल शक्ति विभाग द्वारा कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस कार्य पर शहरी विकास मिशन के तहत शहर में किया जा रहा है। हर घर तक, हर डोर तक नगर परिषद का सफाई कर्मचारी घर से कचरा उठाए, उसके लिए 14 वाहन 14 जो जीपे हैं डोर टू डोर कचरे के लिए जो है वो लगा दी गई है। एक जीप के ऊपर जो है 2 सफाई कर्मचारी रखे हैं ताकि वो घर से कचरा बैल दे के कचरा उठाए, वो प्रबंध जो है वो कर दिया गया है। एक जो टेम्पो है हमारा, एक जो जीप है वो जो मार्केट एरिया है उसमें ही चलेगा, सुबह शाम चलेगा, वो हम कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर वार्ड में सड़कों के ऊपर टाइल लगाया जा रहा है, ड्रेन का काम शुरू हुआ है, IPH डिपार्टमेंट सीवरेज का काम कर रहा है। सीवरेज डिपॉजिट काम है, ये अर्बन डेवलपमेंट का पैसा है, नगर परिषद का काम है। IPH डिपार्टमेंट जो है सीवरेज को पूरे शहर में बिछा रहा है।